I'm making this video in my full conscious state, and I just want to apologize to this man Danish, who have been very nice to me and who's been incredible to me, but due to some reasons, due to some politics, this Gossip Girl shit happened and I am to blame for everything. I am apologize, I'm ashamed, I'm embarrassed at what I did, and I swear that I will never do that again. Please forgive me. दोस्तों, पुलिस ने मेडिकल की एक तालिबा को मुबीना तौर पर अगवा, तशद्दुद और जिंसी ज्यादती में मुलविस एक बाअसर ताजिर समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया है। तालिबा पर हमला और उसे तजलील करने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने पंजाब की बाअसर सियासी शख्सियत के दोस्त को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। फुटेज में दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं, जिसमें पंजाब में टेक्सटाइल की कारोबारी शख्सियत शेख दानिश अली और मुतासरा तालबा की हम जमात माहम को खतीजा महमूद को ना सिर्फ बेरहमी से पीटते हुए बल्कि उससे ज़ुबानी बदसलूकी करते हुए भी देखा जा सकता है। शेख दानिश अली के साथ ही उसकी बेटी अनाली के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, जो यूनिवर्सिटी में मुबीना मुतासरा की हम जमात थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक BDS की फाइनल ईयर की तालबा खतीजा मुलजिमना के दोस्त थी और अक्सर उनके घर जाती थी। दानिश खतीजा के लिए जज्बात पैदा करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि वो उसे शादी की पेशकश भेजे। तहम खतीजा ने दानिश शेख की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अना ने खतीजा को जान से मारने की धमकियाँ दी, जिसके बाद खतीजा ने दानिश और उसके ख़ानदान से तमाम रबता मुनकता कर दिया। पुलिस के मुताबिक 9 अगस्त को दानिश और उसकी बेटी समेत दीगर मर्दों का एक ग्रुप खतीजा के घर में घुस गया और उसे और उसके भाई को अगवा कर लिया। FIR के मुताबिक उन्होंने खतीजा का iPhone 13 Pro Max, सोने की चूड़ियाँ और 5 लाख रुपए समेत कीमती सामान भी चोरी किया। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद के इंतहाई महंगे इलाके में वाकिया अपने अलीशान रहायशगर पर ले जाकर मुलजमान ने खतीजा को उसके भाई के सामने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि दानिश और उसकी बेटी ने घर के दीगर अफराद के साथ मिलकर खतीजा के बाल काट दिए और उसे अपने जूते भी चाटने पर मजबूर किया, जबकि इस बदसलूकी और तफजील की इस इंतहाई शक्ल को एक वीडियो में रिकॉर्ड किया गया, जिसे बाद में खुद मुजरमों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। खतीजा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि उसे दानिश पर जिंसी फाल करने पर मजबूर किया गया, जिसे उसने रिकॉर्ड भी किया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने बताया कि पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ मरकजी मुलजिम दानिश अली को 6 दीगर मुलजमान के साथ गिरफ्तार किया, जिन्होंने खतून पर तशद्दुद किया था। CP फैसलाबाद की जानिब से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई। जैसे ही ये फोटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नंदी ने मुतासरा के साथ होने वाली इंतहाई जिल्लत पर मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दूसरे लोग इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इस वाकई के असल मुजरिमों में से एक की गिरफ्तारी अभी बाकी है। दानिश की बेटी अना की मुबीना तस्वीर सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ रही हैं, जिसमें उसने महंगे ब्रांड के जूते पहन रखे हैं, जिन्हें शेयर की जाने वाली एक वीडियो में मुतासरा को चाटने को कहा गया है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।